हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कल जो मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था, ये उसी के आगे का जो ब्लॉग है। और उस ब्लॉग में इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता इस वजह से, तो इसको ना अलग से मैं शेयर कर रही हूँ। तो बस आपको पता ही है, जब मैंने किचन के थोड़े से डब्बे वगैरह जो हैं यहाँ पे धो के रखे थे और उसके बाद मैं नहाने चले गई थी, नहा धो कर आ गई थी। और अभी ना ये मतलब मैं किचन में आई थी, अभी टाइम यही कोई 12 बज रहे होंगे, 12:15 बजे का टाइम होगा। तो अभी ना मैं अक्षु को खाना खिलाने के लिए लेने आई थी, तो बस यहाँ ना ये डब्बे रखे हुए थे। मैंने सोचा इनको ना पहले मैं रख देती हूँ, सूख चुके थे और जो सूखे नहीं थे उनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, जो सूखे मैंने उनको ऊपर उठा के रख दिए। तो अभी ना यहाँ पे मैं अक्षु को खिलाऊंगी खाना। और आप लोग ना प्लीज़ ब्लॉग को फुल वॉच कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। छोटी बच्ची बन गई, अभी भी सारी का स्कूल से आई और आपसे देखो इसको बहुत मजा आया। छोटी बच्ची बन गई, आप सभी छोटी है ना, छोटे। और ये देखो मारो, पिट्टी करो, नहीं 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 जोर से मार देती भाई, नहीं सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी। मैं तो ऐसे बोल रही थी और नहीं गुस्सा हो गई, आखिर सॉरी बोल दीदी को, जैसे दीदी को सॉरी बोल के आ जाओ, जा दीदी को सॉरी बोल के आ जाओ। आ रही अक्षु, तो फ्रेंड्स अभी ये देखो मैं ना कपड़े फोल्ड कर रही थी, अक्षु की दादी आए थे और अभी ये दोनों ना चले गए थे दादी के साथ और मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, थोड़े बहुत कर पाई हूँ और थोड़े बहुत रह गए हैं अभी। मैं इतना मना कर रही थी सारिका को पर वो मानी नहीं कि मेरे को जाना ही जाना है, क्योंकि अभी एग्जाम आ रहे ना, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है, खेल में ही लग जाती है, सुनती नहीं है बिल्कुल भी। और बस मैं पढ़ाने बैठी थी, थोड़ा बहुत ही पढ़ा पाई हूँ और दादी आए उसके, तो दादी घर चली गई। मैं अपने कपड़े फोल्ड करके रख लेती हूँ, अक्षु भी थोड़ी देर सोई थी मम्मी के चली गई वो, और अभी बजे 5:30। और फ्रेंड्स अभी ना मैंने अपने कपड़े जो है फोल्ड कर दिए थे सारे, और जो प्रेस वाले हैं वो अलग हटा के रख दिए, क्योंकि प्रेस तो अभी नहीं करूँगी मैं, प्रेस करने में लगेगा टाइम और मुझे फिर खाना भी बनाना है इस वजह से। और ये कपड़े जो है सारे इनकी जगह पे सेट कर दूँगी जिस जिसके हैं कपड़े। और उसके बाद ये गर्म बेडशीट जो है ना, ये अब इतनी ठंड तो है नहीं जो गर्म बेडशीट बिछाओ, तो इसको ना मैं अभी बैग में रख दूँगी और बाकी कपड़े भी धीरे धीरे मैं हटा के रखूँगी, बच्चों के तो नहीं अभी। और मैं तो पहनती नहीं हूँ गर्म कपड़े अभी, क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं है और घर में वैसे ही काम करते रहो तो मेरे को तो वैसे ही पहने नहीं जाते, तो अभी उनको भी मैं हटा के रखूँगी। और बेडशीट को तो अभी मैं, ये बैग मेरी ना भारी रखी थी तो इसमें मैं रख दे रही हूँ। कर लेती मैं कट,
लिए। और वैसे लेडी ना छीनने में ना बहुत टाइम लगता था, छीनने को ना टाइम नहीं लग पाता छीनने का, इस वजह से ना मैंने वैसे ही लिया। तो चॉप कर लूंगी मैं। और फ्रेंड्स अभी ना मैंने सारी तैयारी कर ली है सब्जी बनाने की, आलू वगैरह सब कट कर लिए हैं और प्याज चॉप कर लिया है। तो अभी ना फटाफट से अपनी छोले की सब्जी छोंक दे रही हूँ। वैसे तो मुझे लग रहा था काफ़ी हो जाएगी, लेकिन अभी देखने में लगा मुझे ना बहुत थोड़ी सी है और लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी बस बना ले रही हूँ उतनी, मतलब अभी के लिए तो हो जाएगी, हम लोग खाते कितनी है। और वैसे मुझे लग रहा था थोड़ी छोलियाँ और होनी, छोलियाँ कब लग रही थी बस सब्जी में, तो अभी मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ। तो अभी इसमें ना सरसों का तेल डाल दिया मैंने आजकल ना, मतलब ये बॉटल छोटी वाली ला रहे हैं और ना मैंने उस बॉटल में भी ये तेल जो ना डालना नहीं है, तो उसमें भी डालूंगी। तो यहाँ पे देखो ये छोलियाँ भी मैंने अपने धोने के लिए रख दिया, आलू कट कर लिए हैं, चॉप कर लिया, टमाटर प्याज यहाँ पे मेरा फ्राई हो रहा है सिंपल तरीके से, जो अपनी मैं यहाँ पे सब्जी छौंक दूंगी। मसाले में वही नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर यही डालती हूँ मैं, और एक्स्ट्रा गरम मसाला तो मैं बिल्कुल नहीं डालती क्योंकि ना वो गले में लगता है और खाते नहीं है फिर हस्बैंड जी बिल्कुल, और मुझे भी ना गरम मसाला इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, डालती तो बिल्कुल थोड़ा सा डालती हूँ नहीं तो मैं नहीं डालती हूँ। बस एक सब्जी मसाला है वो ज़रूर मैं इसमें ऐड करती हूँ, उससे ना मतलब सब्जी का टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो ये जो देखो ये मैं सब्जी मसाला इसमें हमेशा डालती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना मेरा प्याज जो है फ्राई हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और जो मसाले थे वो ऐड कर दिए थे, और यहाँ पे टमाटर जो है अच्छे से मेरे गल गए थे, तेल छोड़ दिया था, और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आलू और मेरी वो जो थी ना क्या बोलते दिमाग से निकल जाता है मेरा छोलिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स करके उसमें पानी डाल के मैं सब्ज़ी चढ़ा दी थी। सब्ज़ी जब तक मेरी बनेगी, हमेशा ना कढ़ाई में बनाती हूँ मैं सब्ज़ी, और कुकर की सब्ज़ी बहुत कम ही पसंद है, छोले वगैरह बनाती हूँ मैं और बाकी सारी सब्ज़ियाँ मेरी कढ़ाई में ही बनती हैं। तो बस सब्ज़ी यहाँ पे बन रही है, जब तक ना मैं अपने किचन का काम जो छोटे मोटे हैं ना वो निपटा लूँगी। थोड़े बहुत यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं, सारी का स्कूल से आए थे, उसके लंच बॉक्स वगैरह सब धोने को पड़े थे, तो अभी साथ के साथ जो है मैं सारे टिफ़िन वगैरह यहाँ पर धो के रख दूँगी, और थोड़े बहुत जो दोपहर के हमारे बर्तन थे वो भी यहाँ पर धो दूँगी, और उसके बाद जो मेरे किचन बची हुई है ना मतलब साफ़ करने को, वो किचन भी अपना साफ़ कर दूँगी, क्योंकि खाना वगैरह बनाऊँ कुछ भी करूँ ना काउंटर वगैरह थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है, तो उसको ना मैं साथ के साथ ही यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी ना मैंने अपने बर्तन धो दिए थे और अभी बस अपने किचन काउंटर ना इस पर मैं कपड़ा मार दे रही, तो यहाँ पे ना मैंने धनिया भी थोड़े से कट करे थे, मेरा धनिया रखे थे ना थोड़े से मैंने सब्जी में डालने के लिए कट कर लिए और थोड़े से ना मतलब ऐसे निकाल के रख लिए। मैंने धनिया की चटनी बनाऊँगी, हरे धनिया और मिर्च और उसमें लहसुन ज़रूर मैं ऐड करती हूँ, उससे ना सब चटनी का टेस्ट ना बहुत अच्छा आ जाता है। बस यहाँ पर किचन का मेरा काम ख़त्म हो चुका है, फ्रेंड्स अभी हो गए हैं 6:30 और सब्जी मेरी जो है बनने वाली है, किचन का सारा काम कर दिया है, बस फिर जाऊंगी मैं उन दोनों को लेने के लिए। हाँ एक काम रह गया, वो काम कर लूँ पहले मैं, हैंड वॉश खत्म हो गया मेरे, और मेरे को ना याद नहीं रखा, मंगा के रखा हुआ है, जब हाथ भूल जाते तब मुझे याद आता है।
और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन गई है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।